मैं रोज की तरह अपने घर के पास वाले एक पार्क में वॉक कर रहा था और एकदम से ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश होने लगी एकदम तेज, तो मैंने इमीडिएटली अपने हाथ ऐसे रखे ताकि मेरे चश्मे पे पानी ना आए और जा करके सीधा एक शेड के नीचे चला गया। उसके कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उस शेड के नीचे और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, मैं अपने आसपास में सुन रहा था, लेकिन मैंने एक चीज नोट करी कि ज्यादातर लोग, उनका ध्यान बारिश की तरफ नहीं था, बारिश की वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम्स थी उसकी तरफ था। जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाकर के दो लड़के खड़े हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि भाई आज ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल होने वाला है, बारिश इतनी तेज हो रही है, तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। एक वहाँ पे अंकल जी थे, पीछे वाइफ को बोल रहे थे कि भाई मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि छाता रख ले, छाता रख ले, अब देख मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तो इस तरह की बातें हो रही थी, तरह तरह की। तभी मैंने एकदम से देखा कि सामने से, मतलब मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मेरे यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था, मुझे अभी भी एग्जैक्ट याद है, वो लड़का इनफैक्ट वो काफ़ी बड़ा कैरेक्टर था, बहुत सीरियस, मतलब बहुत टेंशन में था वो। हुआ क्या था, उसकी जेब में एक नोट पड़ा हुआ था जो गीला हो गया था, 20 रुपए का, तो उसको हिला हिला करके सुखाई जा रहा है, उसको फूक मार रहा है और ये सब चीज़ें। तो मैं पहले, मेरा ध्यान उसकी तरफ था, फिर मैंने जैसे ही उधर देखा तो उधर से एक आदमी आ रहा था शेड की तरफ, उसका भी एक हाथ ऐसे था, लेकिन दूसरे हाथ से उसने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था, छोटी सी बच्ची, 4-5 साल की, बड़ी प्यारी बच्ची। फर्क ये था कि उस बच्ची का हाथ ऐसे नहीं था, उसका हाथ ऐसे था, ऐसे था, और वो बच्ची बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें कर रही थी। मैंने देखा वहां से, ऐसे उसका हाथ था, बार बार उस पर पानी की बूंदे गिर रही, वो इकट्ठा कर रही और पी रही, इकट्ठा कर रही और पी रही, इकट्ठा कर रही और पी रही। तो जैसे ही वो शेड के पास आए, मैं थोड़ा सा साइड हो गया, तो इधर वो मेरे नोट सुखाने की मशीन थी, इधर मैं सोच रहा था अपने भी नोट निकाल के दे दूं, भाई ये भी सुखा दे। इधर वो बच्ची खड़ी हुई थी, वो छोटी सी प्यारी सी, और मेरा फिर पूरा ध्यान उस बच्ची की तरफ ही था, इतनी इतनी प्यारी बच्ची। और इधर उसके पापा, उसके पापा अपने मोबाइल पे कुछ काम कर रहे थे। वो बच्ची को अभी भी चैन नहीं आया, शेड के नीचे आ गई, लेकिन अभी भी बार बार अपना हाथ बाहर निकाल के, एक हाथ से पापा को पकड़ा हुआ डर रही, दूसरे हाथ से ऐसे बाहर निकाल के बार बार पानी भर रही और पी रही, कभी पानी भर रही अपने मुंह पे फेंक रही। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये बारिश रोज क्यों नहीं होती। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। उसके पापा ने कहा, वो अपने मोबाइल पे लगे हुए थे, हाँ बेटा होगी होगी, रोज होगी, रोज होगी, रोज होगी। वो बच्ची फिर अपने खेल में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों उसने दोबारा से पूछा अपने पापा से, बताओ ना पापा रोज क्यों नहीं होती। इस बार उसको कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया, मुझे सब कुछ समझ आ गया कि क्या वो वजह है, क्या फर्क होता है उन लोगों में जो खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और खुद के सबसे अच्छे दुश्मन होते हैं, क्या फर्क है उन दोनों लोगों में। देखो बहुत सिंपल है, जब बारिश होती है आसमान से, हम सबके ऊपर होती है, क्या एक जैसे होती है या अलग अलग तरीके से होती है? एक जैसे होती है, कोई पार्शियलिटी नहीं करती। आप अमीर हो, गरीब हो, काले हो, गोरे हो, बच्चे हो, बड़े हो, कोई फर्क करती है क्या बारिश? नहीं करती, सब पे एक जैसी होती है। बिल्कुल उसी तरह से वो शक्ति, वो एनर्जी जिससे पूरी दुनिया चल रही है, जिससे अभी, अगर आप अभी फील करने की कोशिश करो, आपकी सांसें चल रही है, मेरी सांसें चल रही है, जिस शक्ति में इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो एक सेकंड में, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, और एक सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में इस दुनिया को दोबारा से बना भी सकती है। उसको आप साइंटिफिकली चाहे एनर्जी का नाम दे दो, चाहे स्पिरिचुअली भगवान कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल उस बारिश की तरह उस शक्ति की भी बारिश हम सब पर होती रहती है, उस एनर्जी की भी बारिश होती रहती है, और सब पर एक जैसे होती है। फिर चाहे आप अमिताभ बच्चन हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टेज पे खड़े हो या वहां बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क क्या है? देखो बहुत सिंपल है, वही फर्क जो उस बारिश में था, जो मैंने नोट किया उस बच्ची के बीच में और औरों के बीच में। कुछ लोगों का हाथ ऐसे होता है और कुछ का ऐसे होता है, यही फर्क। जिनका ऐसे होता है वो बारिश उन पर होती तो है, लेकिन छू करके बह जाती है, चली जाती है, उनके अंदर तक नहीं जा पाती, अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन जिनका ऐसे होता है वो
वो उसको पी लेते हैं, उनके अंदर चली जाती है, और उसके बाद में जो काम करती है वो एनर्जी करती है, नाम इंसान का हो जाता है।